जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने क्या लिखा? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके बाद से इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा देंगे। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां कहां से इंडिया हटाओगे? और मैं तो सोच रहा हूं कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी इस देश को पर तीसरी नोटबंदी लागू कर देगी, क्योंकि मैंने ये नोट देखी, ये 100 रुपए की नोट, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसमें अगर लिख दिया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ भारत, तो नोट तो चलेगी नहीं। तो पूरे देश में नोटबंदी लागू करने जा रहे हैं मोदी जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। मोदी जी, क्या आप इस देश में तीसरी नोटबंदी लागू करना चाह रहे हैं? जो लोग अपने घरों में पैसा लेके, जिनके पास पैसा है 100 की, 500 की, 200 की नोट है, वो लाइन में फिर खड़े होंगे पूरा देश, क्योंकि आप इस नोट से भी इंडिया हटा देंगे। पहले कहेंगे सब लोग नोट जमा करो। ये कैसी मानसिकता है आपकी? क्या करना चाहते हैं? आपसे कुछ होता तो है नहीं। 2 करोड़ रोजगार देना है नौजवानों को, नहीं होता आपसे। किसानों का फसल का दाम 2 गुना करना है, नहीं होता आपसे। महंगाई कम करनी है डीजल का, पेट्रोल का, सरसों के तेल का, गैस के सिलेंडर का, किडनी का, कैंसर का, टीवी की, हार्ट की दवा का, सबका दाम बढ़ाते जाते हो। कहा था 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे दोगे, वो भी नहीं होता। 15 लाख हर खाते में दे दोगे, वो भी नहीं होता आपसे। तो आपसे कोई काम तो इस देश के लिए होता नहीं। देश की भलाई आपको करनी नहीं, बस मणिपुर में दंगा हो जाए डबल इंजन की सरकार में, दिल्ली में दंगा हो जाए, मेवात में दंगा हो जाए, कैसे देश के अंदर नफरत फैले, इस बात की चिंता सताती रहती है आपको। तो इसलिए ये जो एक कोशिश है, एक नापाक इरादा जो मोदी सरकार का है, इसका हम लोग विरोध करेंगे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, भारत के संविधान का अपमान, इस देश की जनता, इस देश के करोड़ों दलित, आदिवासी, वंचित समाज के लोग, और जिनकी आस्था बाबा साहब में है, वो कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।